हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ बरखा। तो आज हम बीए प्रोग्राम सब्जेक्ट हिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टॉपिक उत्तर वैदिक काल यानी फोर्थ टॉपिक का सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम अभी तक जो हमने पढ़ा वो था अनलय ऑफ वैदिक काल में ऋग्वेद, ठीक है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल यानी ऋग्वेद के बाद वाला टॉपिक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जैसे दे रखा है, अभी तक हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ऋग्वेद में जो चार वेद लिखे गए, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ये सब जो वेद लिखे गए, देन इसके बाद उसकी सामाजिक कैसी थी, स्थिति कैसी थी और उसमें वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ये हमने भी पढ़ा, ठीक है। और अब हम 1000 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल का कार्यक्रम या काल खंड आता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि उत्तर वैदिक काल में समाज की जटिलता को महत्वता बढ़ी, यानी समाज बहुत कहते हैं ना, एक समाज में इम्पोर्टेंस आ गया था, समाज और मजबूत होता जा रहा था। तो समाज में जटिलता की महत्वता बढ़ी, समाज अब बहुत जटिल हो चुका था और हो रहा था। व्यापारिक गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हो गई। अभी तक ऋग्वेद में व्यापारिक गतिविधियाँ इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी उनकी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि यहाँ पर व्यापारिक गतिविधि की जो भी महत्वता है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। देन इसके बाद आता है, अब व्यापार बढ़ा तो व्यापार किससे बढ़ेगा? ऑफकोर्स अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से बढ़ेगा। तो अर्थव्यवस्था में बहुत बढ़ोतरी हुई, प्लस राजनीतिक रूप में हम इस राजनीतिक गतिविधियाँ भी हम इस काल में देख सकते हैं, ठीक है। और सामाजिक गतिविधियों में परिवर्तन हो रहे थे, अब वो चाहे परिवर्तन नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, परिवर्तन होते हैं। बहुत तेज़ी के साथ कृषि का विस्तार यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, प्लस पशुओं से ज़्यादा महत्वता बढ़ चुकी थी। हाँ, क्योंकि ऋग्वेद में ज़्यादा इम्पोर्टेंस भूमि थी, भूमि पर ही हम बैल को चराते थे और फसल उगाते थे। अब यहाँ पर जो पशुए थे, मवेशी, भूमि के साथ साथ उनकी भी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही थी। प्लस युद्ध की स्थिति भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब भूमि से अगर हम बात करें तो भूमि से स्टार्टिंग होता है कि अगर कोई राजा किसी के एरिया को जीतेगा या किसी को हरा कर अपने आप को साबित करेगा, तो वो भूमि थी। कि जितना फॉर एग्जांपल कि अगर कोई राजा इतने इस एरिया को हार चुका है, तो वो पूरी जो दान में दी जाती थी उसके कब्जे में भूमि आ जाती थी, ठीक है। तो ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट थी और ज़मीन के साथ साथ युद्ध भी बहुत यहाँ पे अब स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो वॉर्स की स्टार्टिंग होने स्टार्ट हो चुकी थी। तो और एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी, ब्रीफली भी बता रही हूँ, अभी हम डीपली बाद में पढ़ेंगे। तो लोह अयस्क यानी आयरन की खोज और आयरन को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना, वो इस काल में उभर कर आया। क्योंकि अभी तक हमने देखा हड़प्पा सभ्यता, पाषाण काल में और ऋग्वेद में भी आयरन की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आयरन की खोज मानी जाती है और इसी से ही प्रौद्योगिकी बहुत उस टेक्नोलॉजी तकनीकी और प्रौद्योगिकी भी बहुत आगे बढ़ी और ये आज जो लोहा था आयरन, ये प्रौद्योगिकी में शामिल हो चुका था ना, इसलिए इसको कृष्ण यानी काला लोहे की तरह काला आयक्स धातु के रूप में बोला जाता है, ठीक है। और कहीं पर जैसे पुरुष सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट जो सूत्र है, पुरुष सूत्र में काले को श्याम यानी कृष्ण जी के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। देन इसके बाद लोहे की फालों का प्रयोग किया जाने लगा,
इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो घोड़े की नाल होती है उसमें लोहे की फाल लगाई गई जो खेती के लिए, प्लस जो बैल और जो गाय थी उनको भी इसके साथ जोड़ा गया। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक बदलाव लोहे के कारण ही संभव हुए, यह ऐसा माना जाता है। अर्थव्यवस्था में भी लोहा शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थवेद एक बहुत बड़ा जो चार वेदों में से एक वेद है, उसमें भी लोहा शब्द का उल्लेख मिलता है। प्लस इसको लोहा साल यानी आयरन एज भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें कुल्हाड़ी हल अब पत्थर लकड़ी के ना होकर लोहा उसमें इंक्लूडेड हो रहा था, यानी आयरन इसमें जुड़ रहा था। देन रथ, अगर मैं रथ की बात करूँ तो रथ के जो पहिए हैं उसमें भी लोहे का यूज़ ज़्यादा बढ़ चुका था। अभी फ़िलहाल में सिर्फ लकड़ी के होते थे और पत्थर के होते थे, लेकिन जब लोहा आयरन ने अपनी प्रवृत्ति दिखाई, आयरन ने अपनी नेचर दिखाया कि वो कितना मजबूत है, तो धीरे धीरे लोगों को ही पता लगने लगा कि लोहा भी एक बहुत बड़ा हथियार और बहुत बड़ा एक किस्मत है अगर जिसके पास आयरन है, क्योंकि बहुत मजबूत था तो उसके रूप में हम देखते हैं। देन उसके बाद है क्या, रथ के आगे वाले पहिए में लोहा का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। इसको रथकार, वेदों में रथकार लिखा है, रथकार यानी रथ चलाने वाला व्यक्ति। युद्ध की गतिविधियों में भी लोहे ने यानी आयरन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, प्लस राजनीतिक स्थिति भी बढ़ी। खेती में सबसे ज़्यादा अधिशेष उत्पन्न होने लगा क्योंकि लोहे की वजह से, और इसी कारण ही जो भूमि थी वो बहुत इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ी, ठीक है। ना इसी बीच युद्ध की गतिविधियाँ भी बढ़ने लगी। यही बाद में पुरु पांचाल, जो मैं आपको नाम बता रही हूँ, पुरु पांचाल कबीले के नाम है, ओके। पुरु पांचाल और बड़े बड़े कबीले एक रूप में उभरने लगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं लिंग निर्धारण, यानी उत्तर वैदिक काल में लिंग निर्धारण था, भेद यानी जेंडर इक्वल जो भेद है वो हम बताएंगे। तो उसके बाद आते हैं इसमें है कि युद्ध में सिर्फ पुरुषों को ही जाने की अनुमति दी जाती थी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पुरुषों की ही थी, यानी पुरुषों को ही सबसे महान, सबसे सर्वोपरि रखा गया, पुरुषों को ही, पुरुष को सबसे ज़्यादा उच्च समझा गया अकॉर्डिंग टू फीमेल। और अगर हम देखें तो उसके स्ट्रॉन्ग यानी वो फिजिकली तौर पर उसको देखा गया कि उसके शोल्डर बहुत हैवी हैं और ये इतने विमेन के नहीं हैं, तो विमेन नहीं कर सकती ये सारी लड़ाई के काम है और लोग पुरुष ही करेंगे, ठीक है। वह स्त्री को सिर्फ ग्रह यानी सिर्फ घर तक ही सीमित रखा गया। अब घर यानी जो ग्रह, ग्रह मतलब आज के टाइम पे जो होम है, ग्रह घर बहुत महत्वपूर्ण हो चुके थे, क्योंकि अब एक टॉपिक जुड़ा था, वो था कि जो घर का काम है, घर के कार्य, घर का नेता पुरुष को माना गया, लेकिन उसके जो सारे काम, घर के संसाधन जो भी था वो महिला करेगी, प्लस जो घर के संसाधन है वो पुरुष ही जुटाएगा, ठीक है। संसाधन वो स्त्री और जो बच्चे थे उनको ख्याल कौन रखेगा, वो पुरुष ही रखेगा। सबका नियंत्रण पुरुषों का ही था सब पर, ठीक है। दा इसके बाद आता है कि तथा अब पितृसत्ता, जो भी पितृ का बेटा, बेटे से उसका पोता, पति पोता, ऐसी जो पितृसत्ता थी वो बढ़ चुकी थी। और आज के टाइम देखें तो आज भी ये विद्यमान है जो मैंने आपको पहले बताया था। देन इसके बाद है, हाँ फिर भी अब बहुत डेवलप आया है, बहुत जो भी अवेयरनेस जही है, लेकिन थोड़ी भी अभी भी बाकी है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको भी इंडिया डेवलप हो पाए और वो जो उसकी पुरानी छवि थी, पुरानी विचारधाराएं थी, विचारधाराएं अच्छी होती हैं, पुराने परंपराएं अच्छी होती हैं, लेकिन परंपराओं की भी एक लिमिटेशन होती है ना। अगर हम आज भी दास प्रथा करें या फिर बाल विवाह करें तो वो एक गलत परंपरा है, एक कुरीति है। और ये जेंडर इक्वालिटी जो आज अभी तक हमें नहीं मिल पाई है, ये भी एक बहुत पुरानी ही परंपरा से उसमें शामिल है अभी भी, तो देखते हैं क्या होगा। देन अब हम नॉट टॉपिक आता है हमारा विवाह यानी मैरिज। तो उत्तर वैद में
विवाह को एक समाज यानी सामाजिकता प्रदान की गई कि विवाह अगर तुम्हें समाज में रहना है तो किसी से यानी अपने ही उसमें भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन थी उससे शादी तो करनी होगी, शादी है तो समाज अपनाएगा, वरना अभी हम आप देखते हैं कि बहुत शादी कहते हैं ना एक समाज में हम गेहूं है जो ऐसे गेहूं को पिसना पड़ेगा, तो इससे भी हम समझ सकते हैं। तो विवाह जो था वो मैरिज बहुत सोसाइटी को बहुत इफ़ेक्ट करती थी, ठीक है, और सोसाइटी ने भी उसको बहुत इफ़ेक्ट करा। पहले चार विवाह गुड थे यानी बहुत अच्छे सर्वप्रथम माने जाते थे पहले चार विवाह, जिसमें से अब बाद में जो बाकी विवाह थे उनको निम्न कोटि यानी निचली स्तर पे रखा गया। तो एक है ब्रह्मचार्य विवाह, ये सारे जो भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो जैसे ब्रह्मचार्य जो फर्स्ट टू 25 एज तक किया जाता था, देन वृहस्थ यानी ओल्ड 25 से लेकर 50 वर्ष की उम्र में, देन वानप्रथ, वानप्रथ है 50 से 70 साल की वर्ष में, देन एक और एक कैटेगरी थी वो थी अगर तुम्हें विवाह नहीं करना तो तुम संन्यास ले सकते हो यानी संन्यास, यह इसमें था कि सब कुछ त्यागना होगा संन्यास धारण करने के लिए। देन इसके बाद आते हैं कि हमें बहुत सारे अभिलेखों में या हमें जो भी स्रोत मिलते हैं उसमें हमें दिखाई देते हैं उपयोगिता उनकी, और कुछ ऐसे जैसे कि कुछ नाम है जैसे कि घास, घास मतलब ग्रास जो अभी भी हम जानते हैं उस टाइम भी होती थी, तो जैसे पूजा सामग्री या फिर कोई हवन कुंडली में अगर हम बैठेंगे तो घास और सोना इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी, ये धार्मिक गतिविधियाँ ये बहुत महत्वपूर्ण होते थे ये दोनों जो सामग्री है, इसी कारण स्त्रियों को कम महत्वता दी गई, इसी बीच भी स्त्रियों को बहुत कम रखा गया, निचले स्तर पे रखा गया और धीरे धीरे स्त्री को अपवित्र माना गया और शूद्रों की तरह यानी शूद्र वर्ग की तरह रखा गया। एक और वर्ड आता है, यह है तुत्रा, शूत्रा सॉरी, शूत्रा जो वर्ड है ये इसका एक शूत्रा जो भी वर्ड्स ये है एक टैक्स है यानी एक अभिलेख है, एक बुक है, इसमें ब्राह्मणों में ये लिखा है कि लिखा गया है कि और सिर्फ एक लड़का पैदा हो गया, यानी एक एक विचारधारा बन चुकी थी कि एक टैक्स में लिखा गया था कि अगर एक अच्छा सफल परिवार आपको लेना है, एक विकसित परिवार लेना है तो वो है कि लड़का ही पैदा हो तो वो परिवार कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन अर्थवेद में लिखा गया है, अथर्ववेद में लिखा गया है कि एक श्राप दिया गया, किसको श्राप, लड़की को एक ऐसा श्राप दिया जाता था कि अगर जिसके किसी के भी घर में लड़की पैदा हुई है पहले ही जैसे कि देन मैरिज हो चुकी है तो जो लड़का और लड़की थे यानी जो हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके हैं तो उनकी अगर पहली जो संतान है वो लड़की होगी तो एक श्राप को दिखा गया यानी इसकी लड़की हुई यानी इसको किसी ने किसी श्राप तो दिया ही होगा कि इसकी लड़की जो हो गई है, तो ऐसी विचारधारा जो थी बहुत दुख का कारण थी बनती थी, और सिर्फ बेटा ही उत्पन्न करना एक स्त्री को महत्वपूर्णता की ओर ले जाता था कि अगर तुम्हें बेटा करना, अगर तुमने बेटा करा तो तुम हमारे लिए बहुत अच्छी हो, ठीक है, हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह रखेंगे, बट तुमने लड़की पैदा करी तो बहुत मतलब अनबैलेंस, मतलब थोड़ी शर्म आएगी, थोड़ा थोड़ी इज्जत समाज के तौर पे नीची हो जाएगी, तो ये सब देखा गया। देन इसके बाद आता है ऋण, ऋण यानी कर्जा जिसे हम कर्जा भी कहते हैं यानी कर्ज, तो ऋण एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड इसमें आता है, इसका जो मीनिंग है वो है पुरुषों के यानी एक पुरुष, क्योंकि समाज का प्रधान तो पुरुष ही था तो पुरुष के जीवन में इन तीनों ऋणों से मुक्त होना ज़रूरी था। वो तीन ऋण इस प्रकार थे, पहला गुरु ऋण यानी टीचर से लेकर टीचर को गुरु दक्षिणा देनी होगी या कुछ न कुछ देना होगा दान के तौर पर। देन पितृ ऋण, पितृ ऋण में आता है फादर यानी पितृ मतलब फादर से रिलेटेड यानी बेटा पैदा करके तुम भी पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगे अगर तुमने बेटा पैदा करा तो। देन उसके बाद आता है पुत्र ऋण, पुत्र यानी बेटे का बेटा यानी पिता के लिए उसका पुत्र, तो पिता को अंतिम संस्कार कर पुत्र जो है वो अपने पिता को
अपने पिता का अंतिम संस्कार करेगा तो वो भी इस ऋण से मुक्त हो जाएगा। तो ये तीन ऋण एक मेल के जीवन में, एक मैन के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट थे, और इन तीनों ऋण से ही निकलकर सोसाइटी में उसकी इज्जत बनती थी। दैन इसके बाद आता है कि उत्तर वैदिक काल में राजनीति भी इम्पोर्टेंट हो चुकी थी, और राजनीतिक इकाइयों में भी परिवर्तन होने लगा था। दैन इसके बाद आता है कि जैसे कि बहुत सारी राजनीतिक प्रणालियाँ उभर कर आईं, क्योंकि ग्रुप आ चुके थे बहुत सारे अस्तित्व में आई, जैसे कि राज्य, गण, संघ और जनजाति। ठीक है, इनका अलग नेता होता था, तो नेता से अगर आप समझे तो राजनीति है ऑटोमेटिकली। देन इसके बाद ये कि कुछ समुदायों ने भी अपनी जो भी जनजातियों को अपने जनजातियों के चरित्र बनाए, और वहीं दूसरी तरफ कुछ समुदाय यानी कुछ एक ग्रुप ने विकास राज्य में अपने जो साथ, जैसे कि अपना राज्य की ही दिशा में अपना योगदान दिया। ठीक है, और जैसे कि इसमें है पुरु भरतों में मिलने से एक शक्तिशाली जन्म हुआ, यानी पुरु। अब जैसे कि मैं आपको ऋग्वेद में, मैंने मतलब वैदिक काल के फर्स्ट पार्ट में ऋग्वेद में बताया था नहीं कि पुरु और जो भरत का जो दो कबीले हैं उसका पुरुष कर रहा था नेतृत्व, और इसका भरतों का सूरदास कर रहा था। ठीक है, तो इन दो कबीले पहले दोनों आपस में कंटेम्परी थे, यानी दोनों आपस में दुश्मन थे, लेकिन बाद में ये जो रिवेंज इन्होंने लिया, बदला इन्होंने लिया, उसके बाद ये बाद में एनिमी तो पहले थे दुश्मन, लेकिन बाद में जाके ये आपस में मिल गए। मतलब इन्होंने इसके लड़के शादी या फिर लड़की से शादी, कुछ ऐसे संबंध बनाए जिससे इन दोनों के मिलने से एक नई जाति यानी एक नए वंश यानी एक नए कबीले का एक उसकी स्थापना हुई। उसको कहा गया था कि उसको नाम नहीं दे रखा इसमें, मैं आपको बताऊंगी नाम क्या है। कुरु, आई थिंक कुरु है, कुरु और भरतों से मिलने पर कुरु जनपद का जन्म हुआ। दैन इसके बाद है कि त्रुवश और क्रिवियों, एक और ये दोनों कबीले थे, इनको मिलने से पांचालों, इम्पोर्टेंट है ये, पांचालों का जन्म हुआ। दैन तथा अब वंशगत यानी जो वंशागत जो वंश के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी जनजाति थी उसकी इकाइयाँ क्षेत्रीय राज्यों में रूपांतरण हो गई। ठीक है, क्षेत्रीय राज्य पूर्ण अस्तित्व में आ चुके थे। अभी इसमें थोड़ा वाद विवाद टॉपिक है, फिर अगले जो इतिहासकार हैं वो उनको कुछ लगता है अलग, और कुछ इतिहासकार हैं उनको कुछ अलग लगता है, तो थोड़ा अलग मत है इसमें। देन इसी बीच युद्ध होने लगे। लंबे समय तक समझौते व संधियाँ देखी जाती है। देन राजतंत्र भी शामिल था। हम देखते हैं कि राजा के हाथ में ही सारी सत्ता देखी गई है, सारी शक्तियाँ को देखा गया है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मौर्य साम्राज्य है। ठीक है, देन इसके बाद है कि आर्थिक संसाधनों पर भी अधिकार देखा गया। देन वहीं पर इसके अपोजिट, जहाँ सब कुछ शक्तियाँ राजा के हाथ थी, लेकिन वहीं पर कुछ एक जगहों पर गणतंत्रात्मक यानी गण यानी एक पब्लिक जो भी जनता शासन थी, जनता ही खुद शासन करती थी, वो भी देखा गया। ठीक है, जहाँ पर राज्य की शक्ति नहीं चलती थी। देन इसके बाद आता है राष्ट्र भी एक वर्ड देखा गया। राष्ट्र यानी ये भी जो इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी स्टडी राष्ट्र शब्द ये है कि एक राज्य भी राष्ट्र कहलाता था। ठीक है, देन इसके बाद है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था था। इम्पॉर्टेंट है ये वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में। तो वर्ण व्यवस्था में अगर सबसे पहले नाम आता है वो आता है धर्म का, क्योंकि वर्ण व्यवस्था को धर्म के साथ ही जोड़ा जाता है हमेशा के लिए। तो उत्पत्ति का सिद्धांत उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट दिखाई देता है कि उत्पत्ति किसकी हुई, कहाँ से हुई। तो ये है कि श्लोकों का शुद्ध रूप, श्लोक जो थे शुद्ध रूप से उच्चारण किया जाने लगा इस काल में। देन कर्म कांडों यानी कर्म जो कर्म कांड थे उनकी महत्वता बढ़ी, जैसे बलि प्रथा, पूजा पाठ। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ी लोगों की, क्योंकि लोग इसके पीछे भागते थे कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो हम कर्म कांड वैसे कर्म नहीं, अच्छे कर्म नहीं, बलि चढ़ाना और ये अपने व्रत रखना ये सब ये करेंगे।
और यज्ञ करवाना सबसे बड़ी बात, और बलि देना यज्ञ करवाना बहुत ज़्यादा उल्लेख मिलता है, ठीक है, श्लोकों में सबसे ज़्यादा उल्लेख यही मिलता है। क्योंकि मैंने कहा है कि वैदिक काल फर्स्ट ऑफ ऑल धर्म पर ये जुड़ा है, धर्म के जो भी रीति रिवाज है, परंपराएं, उस पर ये जुड़ा है। यहीं बीच एक शब्द आता है अग्निहोण, अग्निहोण जो एक ग्रह, यह एक ग्रह से संबंधित है, ठीक है, एक घर के धार्मिक कृत्य, धार्मिक कार्य से संबंधित है, जहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय ही कर सकते थे सिर्फ, ठीक है, शूद्र वर्ग को अभी इजाज़त नहीं थी, ना ही वैश्य वर्ग को ये सब काम करने की इजाज़त थी। देन तीन प्रकार के यज्ञ हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हैं वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ ताकत, सत्ता और भूमि से जुड़ा है। वहीं पर अश्वमेध यज्ञ है, अश्व यानी घोड़ा, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ भी राजनीति, शक्ति और सीमाओं से जुड़ा है, सीमाओं की विस्तारता से जुड़ा है। देन राजसूय यज्ञ सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जानवरों की दौड़ और रथों की दौड़ और राजनीतिक सत्ता दिखाने के लिए जोड़ा गया था। तो ये तीन यज्ञ थे, ये करवाए जाते थे। देन इसके बाद है कि राजा अपनी अच्छी विजय प्राप्ति के लिए, अपने अच्छे परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए यज्ञ करवाते थे, ठीक है, एकदम सुख शांति के लिए। देन इसे ब्राह्मण एंड राजा के बीच जो संबंध थे वो बहुत अच्छी तरह मैत्री भाव से जुड़ते थे, ठीक है। देन इसके बाद है राजनीति, राजनीति टॉपिक आता है उत्तर वैदिक काल के अंदर। तो इस समय राजतंत्र प्रणालियाँ उभर कर आईं, गण संघ कुलीन तंत्र में देखा गया है, कुरु पांचाल, देखा मैंने कहा था ना कि पुरु और भरतों से कुरु, और त्रिवश और क्रवियों से पांचाल भी अब एक हो गए, ठीक है, मतलब ये दोनों कबीलों से, ये कबीला और ये कबीला अब एक हो चुका था। इसके मिलने से एक और नए कबीले का जन्म हुआ, वो था कुरु पांचाल, ठीक है, इसको हम महाजनपद में भी देखेंगे। सबसे शक्तिशाली कबीला था वह महाजनपद था। देन इसके बाद आते हैं सबसे पहले राज्य, कुरु का राजा परिष्कृत जो था, इसमें एक स्टोरी आई थी, ठीक है, राजा का नाम है परिष्कृत, कुरु का राजा परिष्कृत, राजा की ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा गया, राजा को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, प्लस जनपद का रक्षक व जनता का रक्षक भी राजा को ही माना गया, खेती भूमि संसाधन देने वाला इसको कहा गया। देन इसी कारण राजा ने अपने आप को अलग करना शुरू करा और वह महलों में रहने लगा, ठीक है, ये कहानी भी हमें कथाओं से प्राप्त होती है, अभिलेखों से कथाएं प्राप्त होती है, प्लस बलि व्यवस्था, बलि कुरुप्रथा थी। देन ये एक ऐसी कुप्रथा थी कि सुरक्षा से जो भी आश्रित किए जाने वाले एक हिस्सा बाद में जाकर ये कर के रूप में बन गई, ठीक है। तो ये बलि एक जो प्रथा के एक और वर्ड है इसमें बाली, ठीक है, तो बाली एक कर के रूप में देखा जाता है, एक टैक्स के रूप में देखा जाता है कि अगर तुम्हें जैसे कि जो भी गुड सर्विस टैक्स वगैरह जो लेते हैं तो इसके तौर पे देखा गया। तो इसमें जो राजा जनता से लेता था अपनी रक्षा के लिए कि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, ठीक है, यह सभी के लिए अनिवार्य था। इससे राजा व राष्ट्र की आय आने लगी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि सेना रखी है तो सेना को कौन सैलरी देगा, तो राजा ही देगा, राजा कहाँ से देगा, तो राजा को जनता देती थी, जनता उनको देता था, ठीक है। देन इसके बाद है कि उत्तर वैदिक काल में समाज वर्ण व्यवस्था पर, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ण व्यवस्था पर ही आधार था, कि समाज का आधार वर्ण व्यवस्था ही थी, प्लस विभाजन भी देखने को मिलता है, चार वर्ण देखने को मिलते हैं दोबारा फिर से, वही ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, ठीक है। देन पर अब हमें कुछ जातियाँ भी दिखाई देती हैं, क्योंकि वर्ण के साथ साथ कुछ जातियाँ भी उभरने लगी, जैसे कि कृषक जाति, लोहार जाति, सुनार जाति और आदि वगैरह, ये सब जो कुछ जातियाँ निकलने लगी, तेली जाति, तो इन लोगों की पहचान वो इनके कार्य से जुड़ गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई लोहार है तो वो लोहे का काम ही करता होगा तो वो लोहार बन गया, ठीक है, कृषक है तो वो कृषि ही करता होगा।
तो जन्म जाति आधार रूप भी इसके साथ जुड़ा था। नहीं, इसके बाद है जैसे कि अगर कोई बच्चा लोहार के घर में कोई बच्चा लोहा बच्चा पैदा हुआ है तो वो उसको वो लोहार जो फादर है उसका वो लोहार ही बनाएगा, क्योंकि वो कहेगा कि बेटा ये हमारे जन्म से है। अगर उसका इंटरेस्ट कि इसमें हो किसी और में हो तो, लेकिन नहीं, उसके पापा का जो उसको प्रेशराइज करेगा और बोलेगा कि तुझे लोहार ही बनना है। तो ये सब चीज़ें अब थोड़ी और स्ट्रांग हो गई थी। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है लास्ट टॉपिक, उपनिषद। उपनिषद इज़ वेरी गुड टॉपिक है। उपनिषद का मतलब मैं आपको बताऊंगी, यह है किसी के समीप बहना, किसी के समीप किसी के तरफ बहना। तो इसे हमें गुरु, सबसे पहले गुरु शिक्षा, गुरु और शिष्य, टीचर एंड स्टूडेंट का संबंध देखा जाता है इसमें, ठीक है। नहीं, शिक्षा ग्रहण करते और उच्चारण करवाते थे इसमें उपनिषद जो टेक्स्ट में हमें दिखाया गया है। देन उसके बाद है, यह उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे, ठीक है। ऋग्वेद में नहीं इनका अस्तित्व दिखता, उत्तर वैदिक काल में ही दिखता है। देन कर्मा, कर्म और पुनः जन्म के साथ भी इसको जोड़ा गया कि, और अब कुछ वर्ड्स और नए आ चुके, जैसे कि आत्मा, स्वायल को हम आत्मा कहने लगे, और कर्म मतलब जो हमारे कर्म है, जो हमारा कर्मा है हमारा, उसको पहले कर्मा कहा जाता, प्लस पुनः जन्म भी हमें समझ में आने लगा कि अगर एक व्यक्ति मर जाता है तो वो उसकी उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती, ठीक है। उसकी आत्मा, उसके सॉल किसी और दूसरे न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये समझ में आने लगा कि कुछ ऐसी शक्ति है, कुछ ऐसे ये जन्म मृत्यु ये क्या है, ये वो चीज़ है जो हर व्यक्ति के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में होना संभव है, होना अनिवार्य है। तो ये सब देखा गया, प्लस ध्यान लगाना, योग की मुद्रा में बैठना, योग करना, योगा करना भी देखा गया। देन इसके बाद आता है उपनिषद में, सबसे पहले हम देखते हैं भ्रम, यानी भ्रम यानी कुछ एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एक एक्टिविटी है या एक्शन है जो हमसे एक्शन करवाती है, यानी जो हम कार्य कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ एक शक्ति है जो हमसे कुछ करवा रही है। वो शक्ति हम उसको हम गॉड कह सकते हैं, हम उसको नेचर कह सकते हैं, हम उसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसी कुछ इस शक्ति है जो हमसे कुछ ना कुछ तो करवा रही है। देन इससे भी जन्म मतलब जन्म हुआ उसका, फिर उसको वो कैसे जीवित रहेगा, ठीक है। देन वो उसके कार्य अपने करेगा, कर पाएगा, मृत्यु भी होगी, ये उसका भ्रम लगा था। ये एक बहुत इम्पोर्टेंस अगर हम टॉपिक है बहुत ज़्यादा। देन इसके बाद है क्या, आत्म, आत्म मतलब अणु से भी छोटा और बहुत, लेकिन अणु मतलब एक छोटा सा जो न्यूट्रियॉन्स होते हैं ना, जो बहुत होते हैं। देन इसके बाद देखा गया कि अणु से भी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत बड़ा है, यानी गॉड, गॉड की पावर, पावर ऑफ नेचर या फिर प्रकृति की पावर, कुछ भी कह सकते हैं कि कुछ तो है जो हमें, कुछ हमें एक रास्ता बता रहे हैं कि तुम्हारा तुम जीवन में आए हो, तुम दुनिया में आए हो, तुम्हें ये करना है, ठीक है। नहीं, इसके बाद है कि मृत्यु भी मनुष्य को ज़्यादा मतलब बहुत उसको प्रेरित करा कि मृत्यु भी होना संभव है, अनिवार्य है, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म को भी देखा गया। देन इसमें बहुत मतलब जो थिंकिंग पावर थी बहुत बड़ी इसमें। देन इसमें हवन यज्ञ की बात नहीं की गई बिल्कुल भी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो उपनिषद है ये धर्म जो कुरीति थी या फिर कुछ कर्म कांड थे, धार्मिक कर्म कांड से अलग की ये बात थी, ठीक है। अलग नहीं, अगर देखा जाए तो धर्म ये है, ठीक है। अपने को समझना है कि मैं किस वजह से यहाँ पर हूँ, मुझे कुछ करना है, अच्छा करना है, गलत नहीं करना, धर्म ये है। लेकिन लोग एक जो भी कहते हैं कि धर्म का कोई आकार नहीं होता, धर्म का कोई रूप नहीं होता, भगवान निराकार है, भगवान हर जगह है। मुझे याद है कि जब मैं अपनी भगवद गीता पढ़ती थी, अभी मैं पढ़ नहीं पाई उसको, अभी आधी है वो, तो उसमें लिखा है कि हम कृष्ण जी ने खुद कहा है कि मैं कण कण में हूँ, मैं तुम में हूँ, मैं खुद मुझ में हूँ, मैं हर चीज़ में हूँ, बस आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है कि मैं कहाँ कहाँ पर हूँ। और जो लोग अपराध करते हैं उनमें भी कृष्ण जी होते हैं, लेकिन उसमें
अब कहते हैं कि जो इंसान अपने आप को कैसे दिखाना चाहता है, उसकी मेंटालिटी क्या कहती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो उपनिषद इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक है। देन यहाँ पर हमारा उत्तर वैदिक काल ख़त्म हो चुका है। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ नोटिफिकेशन के लिए और जल्दी से आप मेरी वीडियोस देखें तो उसके लिए बेल आइकन का जो बटन है प्लीज़ उसे क्लिक कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।